पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। जय माता दी, मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। धनु राशि की बात करते हैं, शनि के वक्रीय की बात करते हैं, क्योंकि शनि वक्रीय नवंबर तक है, इसीलिए हम एक भी राशि को छोड़ना नहीं चाहते हैं। पिछली राशियां सभी लोगों ने बहुत अच्छे से देखी हैं और हम चाहेंगे कि आप अपनी फैमिली में भी जरूर इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी अवेयर रह सके। धनु राशि की बात करते हैं, सेजिटेरियस की बात करते हैं कि सैटर्न का किस तरीके का प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है। तीसरे भाव में शनि वक्रीय होंगे, यानी आपकी राशि से थर्ड हाउस में शनि वक्रीय रेट्रो होंगे, आपके द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी है, यानी द्वितीयेश भी है और तृतीयेश भी शनि देव है। अब द्वितीयेश बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है ना, धन का भाव होता है वो, आपकी मेहनत का भाव होता है, और तृतीय आपका पराक्रम है। तो ये दोनों भाव का जो स्वामी है ना, अगर वक्रीय चाल चलते हैं तो थोड़ा सा इम्पैक्ट में उथल पुथल मचाते ही है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनको मालूम है कि हम अपने हर शनिवार को एक विजेता चुनते हैं, लकी विजेता चुनते हैं, उनकी कुंडली देखी जाती है और फ्री में उनका विश्लेषण होता है। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए फ्री होता है जो लकी विजेता चुने जाते हैं, बाकियों के लिए लाइव जब हम आते हैं आप वहां प्रश्न पूछ सकते हो, पर्सनली कंसल्टेंसी लेना चाहते हो तो वहां ले सकते हो। लेकिन लकी विजेता हम एक सप्ताह में एक ही चुनते हैं, और वो भी जिनका प्रश्न इंस्पायर करने वाला होता है, इंस्पिरेशनल होता है, यानी किसी के मनोबल को बढ़ाने वाला होता है। ऐसा कुछ ना कुछ आपको कोटेशन डालनी चाहिए, प्लस आप डिटेल अपनी डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और प्रश्न डालिएगा, मे बी लकी विजेता आप भी हो सकते हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, अपने टॉपिक की बात करते हैं। तीसरे भाव में इनका वक्रीय होना और द्वितीयेश और तृतीयेश है, यानी द्वितीय भाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी, आपके पंचम भाव के ऊपर इनकी दृष्टि है, वो भी तीसरी दृष्टि, आपके दशम भाव पर इनकी सातवीं दृष्टि है और आपके बारहवें भाव पर इनकी दशम दृष्टि है। तीन दृष्टियां देते हैं। पराक्रम भाव में शनि का वक्रीय होना, ये वैसे ही स्लोएस्ट प्लेनेट है, तो कहेंगे और धीरे धीरे आराम से चलो जी, कर आराम से आपके काम बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, इतना इतना आराम से काम आप बनेंगे। किसी भी कार्य को करने की उसकी एक समय सीमा भी तो होती है, तो समय सीमा से हट करके कितना आप स्लो चल करके उस कार्य को कर सकते हैं। आप चाहते हैं काम को जल्दी करना, लेकिन जल्दी कैसे करेंगे, स्लोएस्ट प्लेनेट है, करेगा और लथार्जिक, आपको ढीला कर देगा बहुत ज्यादा कि हाँ जी स्लो रहिए, आराम से रहिए, धीमी गति से चलते रहिए, ऐसा नहीं करना है। आपने उपाय जरूर कीजिएगा, अच्छी चीजें कीजिएगा, ताकि अगर आपके अंदर एक लथार्जिकपन आ भी रहा है, आलस सा आ रहा है, तो उस आलस को आप छोड़ सके, स्वयं हिम्मत करके उस आलस को पीछे छोड़े और आगे बढ़ सके आप। इसीलिए आपको थोड़ा सा इस बार हिम्मत ही बनना है। हिम्मत किसमें दिखानी, आलस नहीं अपने ऊपर हावी होने देना जी, हमें काम करना है, जाना है और काम करेंगे, तब आपको खूब अच्छे से काम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि ठीक है हो जाएगा, कर लेंगे, होना तो है ही है, तो फिर होना है ही रह जाएगा आपका। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने गतिविधियों के ऊपर ध्यान रखना है, कौन सा काम आपके लिए अच्छा है,
कौन सा खराब है, कौन सी संगति अच्छी है, कौन सी खराब है, किनके साथ काम करना है, किनके साथ नहीं करना है। कई बार ये फैसले खुद भी लेने पड़ते हैं, तो अब समय आया है आपके खुद के फैसले लेने का। अच्छा और बुरा इसका ज्ञान पूरा है आपको, लेकिन क्या आप उस ज्ञान का लाभ ले रहे हैं? तो चूक मत कीजिएगा इस बार नवंबर तक, तो स्पेशली आप चूक मत कीजिएगा। किसी भी तरीके की डील जरा थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। यात्रा आप कहीं भी करना चाहते हैं, क्योंकि बारहवीं के साथ इसका संबंध बन रहा है और दशमी दृष्टि का संबंध बन रहा है। तो अगर आप यात्राएं कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या प्लान किया हुआ है, हो सकता है उसमें थोड़ी सी रुकावटें आए। अब कई बार कुछ काम में रुकावटें आ जाती है, कोई वहम तो नहीं पालना चाहिए इन चीजों का, लेकिन क्या रुकावटें आ रही है तो हाथ पे हाथ धरे रह करके बैठ जाएंगे? पराक्रम, थोड़ी सी हिम्मत, हमने कहा ना कि आपको हिम्मत ही करनी पड़ेगी, थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, अपने आलस को छोड़ने का प्रयास कीजिए, अपने पराक्रम को थोड़ा सा स्ट्रांग कीजिए, हिम्मत करके आगे बढ़िए तो काम बन जाएंगे। जो अड़चने आ रही हैं उसको, अड़चनों को थोड़ा सा आपको कहीं तो कहीं खत्म करना पड़ेगा ना, तो खत्म कीजिए अपनी अड़चनों को, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। और कोशिश करने वालों की तो कभी हार होती नहीं है ना, जो कोशिश ही नहीं करेंगे तो हार ही हार का सामना लेकर के बैठे होंगे। तो अगर आप एफर्ट्स करें, कोशिश करें, तो हार नहीं है, जीत की तरफ हमारे कदम बढ़ते हैं। पंचम भाव पर तीसरी दृष्टि पड़ना, यानी इसकी तीसरी दृष्टि, इसकी दशमी दृष्टि और इसकी सातवीं दृष्टि है, तो प्रॉब्लम बल्कि चीजें हो गई ना। तो थोड़ा सा पंचम भाव पर जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है, पंचम भाव हमारा इंपॉर्टेंट भाव है। ये भी देखो, भाव तो सारे आप कहेंगे कि ये भाव भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सबको तो इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। हाँ हाँ, कुछ लिहाज में है ना। आपकी दोस्ती, आपका फ्रेंड सर्कल, आपके अफेयर्स, ये सारे यहीं पे तो हैं। अब बहुत सारे लोग होंगे जो शादी के प्लान कर रहे होंगे, लव मैरिज होगी उनकी, बहुत समय से एक दूसरे को जानते होंगे, प्लान कर रहे होंगे कि हम अब एक शादी के बंधन में बन जाते हैं, तो वहां दिक्कतें आ जाएंगी, डिले होगा। अगर आप बहुत मैनिपुलेट करके बहुत तरीके से बात कीजिएगा अपने घर में, अगर आप अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो बहुत बहुत तरीके से बात करिएगा, और समय, माहौल, उनका थोड़ा सा टेम्परामेंट, फैमिली का देख करके तब इस बात को आगे बढ़ाइएगा, देखिएगा फायदा जरूर होगा। लेकिन अगर आप झगड़ा चल रहा हो उसमें अपनी बात रखना शुरू कर देंगे तो कैसे होगा? उन्होंने बोला तो ना जी, सीधा हटा गए, नहीं चाहिए बस। ऐसे माहौल देख करके जब बात करते हैं तो उस बात में थोड़ा सा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्ड मिलने के चांसेस होते हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप स्वास्थ्य को बड़ा हल्के में ले लेते हैं, ये सर दर्द है, ये प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी, हमने अपने नुस्खे लगा देते हैं, हम ये हैं। तो डॉक्टर ऐसे थोड़ी बने, स्पेशलाइजेशन करके वो डॉक्टर बने हुए हैं, उन्होंने भी अपनी जिंदगी का बहुत समय, वैल्यूएबल समय लगा करके डॉक्टर बने होंगे। तो थोड़ी सलाह लेने में क्या दिक्कत है? अगर आपको एक एक्सपर्ट की सलाह मिलती है तो लेनी चाहिए, समझौता तो हेल्थ के साथ नहीं करना चाहिए ना। तो हेल्थ को लेकर के किसी भी तरीके की लापरवाही, किसी भी तरीके की कोताही आपको नहीं बरतनी चाहिए, वरना इस दौरान आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और वो हेल्थ इश्यूज, बीमारियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। उपाय क्या करना चाहिए आपको? सात तरह के अनाज, सतनाजा, एक बार ये उपाय कर लीजिए इस पीरियड में कभी भी। अब वो क्वांटिटी कितनी रखनी है वो आप डिसाइड कर लीजिए। सतनाजा, सात तरह के अनाज, ये आपको किसी को डोनेट कर देने हैं शनिवार के दिन, और लोहे के बने हुए छल्ले,
रिंग होती है ना, जो लोहे का छल्ला डालते हैं, बहुत सारे लोग डालते हैं, 8 छल्ले आप शनि मंदिर में शनि देव के आगे रख दीजिएगा। इस दिन शनिवार के दिन वैसे भी लोहा डोनेट करना अच्छा माना जाता है, और शनिदेव की तो प्रिय धातु है ना, तो आप वहां पे ये डोनेट करिए और अच्छे कर्म कीजिए। कोई सहायता मांगे आपसे तो जरूर करनी चाहिए शनिवार के दिन, खास करके बड़े बुजुर्ग अगर आपसे कोई मदद मांगे तो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट उनकी मदद करनी चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमें बड़ों के आशीर्वाद की बहुत जरूरत होती है। बड़ों का आशीर्वाद सिर्फ एक ब्लेसिंग नहीं है, एक ऐसी गाइडेंस है हमारे जीवन के अंदर जो हमें सिर्फ और सिर्फ सही राह की तरफ ही लेकर के जाती है। उनका एक्सपीरियंस, उनका तजुर्बा, उनके अच्छे भाव हमारी जिंदगी को निखारने के, तो कहीं ना कहीं हमें एक बहुत बड़ी सॉलिड सपोर्ट होती है अपने बड़ों की। तो बड़ों का आदर कीजिए, बड़ों की सलाह लीजिए और अपने जीवन को अच्छा बनाइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी। हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट, और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल, तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन।